मैं नहीं डालूंगा ग्रुप्स रूप में, ठीक है। मोदी जी की तरह पब्लिसिटी मुझे करना नहीं आते हैं, तो ओपन कर लेते हैं अपना पिछला प्रोग्राम। अच्छा मुझे आप लोग ये बताओ ना कि जैसे मैं जब अपने टाइम पे था, ठीक है, और अपने टाइम पे था नहीं अभी भी, मेरा आदत यही रहता था कि कोई भी प्रोग्राम हो उसको ऐसा कॉम्प्लिकेटेड बनाओ कि उस प्रोग्राम को बनाने में कई सारे समस्याएं, जब समस्या आता था तो उसको सॉल्व करता था तो समझ में आता था कि ऐसा समस्या आएगा तो ऐसे हल करना है। तो आप लोग मुझे अब ये बताओ कि जैसे अपडेट करना है डेटाबेस, ठीक है, तो उसके लिए मैं नया फॉर्म बना लूं या फिर पुराने वाले फॉर्म से ही अपडेट कर दूं, नया फॉर्म नहीं बनाऊं? नया फॉर्म बना लूं ना। चलो लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेटेड होगा तो मुझे मत कहना। चलो तो ये कोड तो हमारा कल का है, यही डिलीट वाला है, यकीन नहीं है, रन कर देता हूँ भाई, देख लो होता है। चलो जब होता है तो यही वाला है, कल वाला यही है, एक रख के डिलीट कर दे, नो कर दे रहा हूँ, एक तो रिकॉर्ड बचा रहे, ठीक है। तो कैसे करने का आप, ठीक है, कि यहाँ पे मैं जो है ना एक नया फॉर्म बनाता हूँ, ठीक है, बाकी जो कुछ डेवलपर्स हैं या फिर कुछ बाकी कुछ टीचर्स हैं या फिर जो भी हैं वो करते क्या हैं कि यहां से उठा लेते हैं टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, यहां से उठा लेते हैं सीधा टेक्स्ट बॉक्स और फिर ग्रिड व्यू पे क्लिक करके इसका डेटा ला लेते हैं टेक्स्ट बॉक्स में और अपडेट बटन पे क्लिक करा के अपडेट करा देते हैं, ठीक है। तो इससे होता क्या है ना, बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है छूट जाते हैं और फिर काम तो हो ही जाता है पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट छूट जाते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसा ना करते हुए एक नया फॉर्म बनाता हूं उसी काम को करने के लिए, ठीक है, और फिर जब नया फॉर्म बनाऊंगा तो इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे और उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो फिर समझ में आएगा कि प्रॉब्लम आएंगे कैसे और सॉल्व कैसे करेंगे, राइट। तो इस फॉर्म का यहां पे मैं नाम क्या दे दूं, स्टूडेंट इन्फो देता हूं, ठीक है, क्योंकि अपडेट और इंसर्ट दोनों के लिए हम यही फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, राइट। अब कैसे इस्तेमाल होगा, उसका डिजाइन पैटर्न कैसे होगा देखते हैं, ठीक है। हालांकि प्रोजेक्ट का पैटर्न तो ये सही नहीं है बट इनिशियल लेवल पे ठीक है, ठीक है, कॉन्सेप्ट सारे समझेंगे फिर बाद में। अरे यार गूगल जैसा सॉफ्टवेयर बना लेंगे, स्टूडेंट इन्फो, ठीक है, क्लियर। एड में क्लिक कर दिया, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो सॉल्यूशन एक्सप्लोर में जाता हूँ तो एक तो फॉर्म बन के आ गया है, ठीक है। अब क्या करने का, सर अपडेट करने के लिए बता रहे हैं ना, ये फॉर्म पहले बताऊंगा। गुड मॉर्निंग सर, बात ऐसा है सर कि आप थोड़े से लेट आए हैं तो मैं 1001 रुपया आपसे फाइन लूंगा, ठीक है। 1001 रुपये में फाइन लूंगा आपसे, आप दक्षिणा कह दो आप या फिर जो कह लो, ठीक है। तो यहां से जो है रिकॉर्ड अपडेट भी होगा, डिलीट भी होगा, अपडेट भी होगा और फिर क्या कहते हैं उसे इंसर्ट भी होगा, दोनों के लिए एक ही फॉर्म इस्तेमाल कर रहा हूं, ठीक है, दो फॉर्म में नहीं बनाने वाला, टाइम कंज्यूमिंग आई को फॉर्म बना के अपना टाइम वेस्ट करें, ठीक है। तो आ जाते हैं, सबसे पहले तो सब लोग अपना मोबाइल साइलेंट कर दो और मैं तो अपना मोबाइल फ्लाइट मोड में डाल ले रहा हूँ ताकि मुझे कोई डिस्टरबेंस ना आए इसके, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मुझे टेक्स्ट बॉक्स लेना पड़ेगा, ठीक है, कितना लेना पड़ेगा तो देख लेते हैं कितने हमारे पास कॉलम है, राइट। और कहाँ है, इधर ए है लेबल, तो यहां से ले लेता हूं मैं लेबल और यहां से ले लेता हूं मैं ये, ठीक है, इसको थोड़ा कर लेता हूं मैं ऐसे, ठीक है। अब मेरा डेटाबेस कहां है, तो कली वाला डेटाबेस है, ठीक है, ये वाला, ये है स्टूडेंट वाला हमारा टेबल, देख लेते हैं इसमें क्या क्या है, ठीक है। आईडी तो ऑटो इंक्रीमेंट है, आईडी के साथ हमें कोई छेड़छाड़ करना ही नहीं है कुछ, ठीक है। नेम है, मोबाइल है, एड्रेस है, ईमेल है, जेंडर है, आधार है, ठीक है, आप लोग याद कर लो कॉलम को,
एक दो तीन चार पाँच छः, टोटल छः ठो है ना, तो हम छः फील्ड ले लेते हैं, ठीक है, ले लें छः ठो। एक ठो ऑलरेडी ले लिया हूँ, दो तीन चार पाँच छः हो गया। कंट्रोल दबा के मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और कंट्रोल दबा के खींच लेता हूँ तो ऐसा हो जाता है, राइट। अब यहाँ पे जाते हैं प्रॉपर्टी में और इसका जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है ना इसको मैं गायब कर देता हूँ और इसमें क्या लिख देता हूँ ना, तो नेम पहला है ना, नेम है, नेम के बाद क्या है जरा बताना, नेम के बाद क्या है, आईडी, नहीं सर, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ईमेल, मोबाइल और फिर एड्रेस, एड्रेस स्पेलिंग सही है क्या एड्रेस का, मेरे को तो डाउट हो रहा है। और एड्रेस के बाद ईमेल है, जेंडर है, राइट, तो ये सही है ना, ईमेल है ना आप, चलिए ईमेल के बाद अब क्या दे दूं, जेंडर, सही है स्पेलिंग, गलती ये होगा तो मेरा क्या बिगड़ने वाला है, आधार है, चलो आधार ना लिख करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आईडी, ठीक है, छोड़िए मैं आधार लिख देता हूँ आपके समझने के लिए ज्यादा बेटर होगा, ठीक है, हो गया इतना। अच्छा यहाँ पे जो जेंडर है ना इसका प्रोफेशनल तरीका ये है कि आप जेंडर का आईडी स्टोर कर लो, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि जेंडर का आईडी स्टोर कर लो, शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है, लेकिन प्रोफेशनल तौर पे जेंडर को मेल फीमेल और बाकी चीजें स्टोर नहीं किया जाता, आईडी स्टोर कर लेते हैं उसका, ठीक है। तो अगर आप लोग सीखना चाहते हो तो इस प्रोजेक्ट को खत्म होने के बाद बोलोगे तो मैं बता दूंगा इसको, ठीक है, और अगर नहीं तो फिर तो चांस ही नहीं है, तो यार ठीक है। जेंडर के लिए मैं क्या ले लूंगा कि क्या ले लूं, रेडियो बटन ले लेता हूं, ठीक है, तो इसको मैं डिलीट मारता हूं सीधा और यहां से ले लेता हूं मैं रेडियो बटन, ठीक है, क्लियर है। मैं ग्रुप बॉक्स में नहीं लिया हूं, ठीक है, क्योंकि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ जेंडर का ही बस रेडियो बटन लेने हैं, इसीलिए ग्रुप बॉक्स नहीं ले रहा हूं, लेकिन आप ग्रुप बॉक्स लोगे, ठीक है। तो इसका टेक्स्ट प्रॉपर्टी में मैं क्या कर दूं ना कि स्पेलिंग मुझे क्यों लगता है कि गलत है, मेल लिख रहा हूं यार, सही है, ऐसे ही रहता है यार, मुझे हर बात पे डाउट ही क्यों होता है, समझ में नहीं आ रहा अपने आप पे भरोसा रखिए सर। अच्छा ऐसे होता है ये, चलिए यहाँ पे सर मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है सर, हाँ कि अगर आप अपडेट करने के लिए तो बता रहे हैं तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो ठीक है कि अगले वाला कोड भी लिखना पड़ेगा, क्या है नहीं समझ पा रहा हूँ, मतलब अपडेट करने के लिए बोल रहे हैं सर, जितना कोड लिखे उतना कोड लिखना पड़ेगा, जो पहले दिखा रहे हैं वो मतलब बैक करिए तो बता रहे ये कोड, हाँ ये कोड क्या है ना जी। इतना जो कोड है हमारा, ठीक है, वेट, इतना जो हमारा था, कल लाइट कट गया था क्या आखिरी में, कट गया होगा सर, कट गया होगा, नहीं कटा था सर, नहीं कटा था, बताना चाहिए बाद में, इसको मेथड में मैं शायद थर्ड बैच उसको फिर बताया होगा, ठीक है। ये जो कोड है ये डिस्प्ले करने का कोड है, राइट, और फिर जो ये नीचे वाला कोड है ना ये है डेटा डिलीट करने वाला, ठीक है, ये वाला टोटल कोड, ठीक है। तो डेटा डिस्प्ले करने के लिए और डिलीट करने के लिए कोड जो है वो सेपरेट अलग है, यहाँ पे जो कोड लिखूंगा इस फॉर्म में वो होगा सिर्फ अपडेट करने का, ठीक है, तो यही इसमें लॉजिक है और कुछ नहीं है। फीमेल रेडियो बटन, मेल रेडियो बटन हो गया, मतलब वो जो वो लोग को लिखने का पुराना जो कोड था ना उसका अपडेट से कोई लेना देना नहीं, वो डिस्प्ले करने का था और डिलीट करने का था, वो दिखा रहे थे सर, मतलब आईडी वगैरह धारो धारो पहले
इससे पहले कुछ दिखा रहे थे सर, वो तो बनाना पड़ेगा कि ये डेटाबेस ये तो मैंने पहले से बना रखा है ना, तो मतलब अपडेट बनाना पड़ेगा, अपडेट करने के लिए, अपडेट करने के लिए नया डेटा क्यों बनाना भाई? अपडेट हम कौन सा डेटा करेंगे? जो डेटा हमारे पास पहले से होगा, राइट? तो पहले से डेटा कब होगा? जब डेटाबेस बना होगा। तो जब पहले से डेटाबेस बना ही है, उसी डेटा को अपडेट करने का है, तो नया डेटाबेस बना के क्या? कुछ नहीं सर, आप इसको बनाए हैं ना? तो पहले से बनाए हो ना, तो हम लोग को भी बनाना पड़ेगा। हाँ, तो आपको तो बनाना पड़ेगा ना, आपने नहीं बनाया तो बहुत परेशानी है सर। अरे डेटाबेस बनाने में कुछ परेशानी नहीं है, नहीं सर, मैं बताया था, ठीक है, वही बात बोल रहा हूँ सर, कल जो आए थे वो लोग के लिए तो ठीक है, बाकी आ जाए वो लोग के लिए तो रिकॉर्डिंग देख लेना, समझ में नहीं आएगा, रिकॉर्डिंग देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, रिकॉर्डिंग चलिए, उसमें दिक्कत आए तो पूछ लेना, ठीक है। अब इन सब का भी मैं नाम सेट कर दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स 1 है, ठीक है, तो इसका मैं नाम क्या सेट कर दूँ? नेम टेक्स्ट बॉक्स 1, ठीक है, नेम टेक्स्ट बॉक्स 1 हो गया, ताकि मुझे एक्सेस करने में आसान हो, ठीक है, और फिर BILE, ठीक है, मोबाइल हो गया, फिर ये हो गया एड्रेस, एड्रेस हो गया, ये हो गया ईमेल का, ठीक है, ईमेल का हो गया, ये है आधार नंबर का, ठीक है, आधार, ठीक है। अब इसके बाद रन करता हूं, थोड़ा सा आप देखना इसमें क्या आएगा प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा, अब बाय डिफॉल्ट मेरा क्या शो हो रहा है? तो बाय डिफॉल्ट मेरा जो शो हो रहा है ना, वो है क्या कहते हैं उसे, ए वाला फॉर्म, ठीक है, स्टूडेंट डिटेल फॉर्म, ए वाला फॉर्म बाय डिफॉल्ट मेरा शो हो रहा है। इसका मैं टेक्स्ट प्रॉपर्टी को बदल के स्टूडेंट डिटेल, स्टूडेंट लिस्ट कर देता हूं, ठीक है, ठीक हो गया, स्टूडेंट लिस्ट यहां पे हो गया ना। तो मुझे अभी सिर्फ वो फॉर्म दिखाना है, तो यहां पे एक बटन लाता हूं कि उस फॉर्म पे जैसे ही क्लिक मारे, ठीक है, तो बटन शो करना चाहिए, ठीक है, तो कंफ्यूज होने का कोई भी जरूरत नहीं है, मैं कंफ्यूज ज्यादा नहीं कर रहा हूं, ठीक है। इस बटन का मैं टेक्स्ट प्रॉपर्टी बदल के लिख देता हूं ऐड स्टूडेंट, क्योंकि ऐड करने के लिए भी तो वही फॉर्म यूज करूंगा ना, तो ऐड करना होगा तो कैसे, तो इस बटन के क्लिक इवेंट पे मैं शो करा दूंगा उसको, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अभी स्टूडेंट ऐड स्टूडेंट बटन पे क्लिक करूंगा तो वो फॉर्म शो होगा, ठीक है, तो सिर्फ शो कराने के लिए भी कर रहा हूं, इस पे कोड लिखेंगे हम बाद में, ठीक है। तो शो कैसे कराने का, तो सिंपल, फॉर्म 1 एक इसका नाम है हमारे फॉर्म का, उसका क्या नाम है? फॉर्म 2, ठीक है, फॉर्म 2 नहीं है क्या उसका नाम? चेक करते हैं इसका क्या नाम है। अच्छा, इसका नाम है स्टूडेंट इन्फो, ठीक है, स्टूडेंट इन्फो इसका नाम है, ठीक है। तो मैं यहां पे आऊंगा, ठीक है, और स्टूडेंट इन्फो टाइप कर दूंगा, ठीक है, स्टूडेंट इन्फो आ गया, स्टूडेंट इन्फो, चलिए डॉट शो मेथड कॉल करूंगा ना, शो डायलॉग, तो कॉल हो चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहां पे ये देखना, आप ध्यान से देखे होगे अगर, तो शो डायलॉग और दो टू मेथड था, ठीक है, दिखा रहा हूं दोनों में अंतर क्या है, राइट, नीचे वाला फॉर्म एक्सेस नहीं कर पा रहा हूं ना, क्यों नहीं कर पा रहा हूं? क्योंकि ये है मॉडल डायलॉग बॉक्स, मॉडल और मॉडलेस दो होते हैं डायलॉग बॉक्स, दो तरीके से शो कराते हैं, तो शो डायलॉग पर जब मैं क्लिक करता हूं ना, तो ये मॉडल डायलॉग बॉक्स बन जाता है, और सिर्फ शो करता हूं ना तो ये मॉडलेस बनता है, ठीक है। तो इस पे क्लिक मारा आप, तो इस पे इस फॉर्म को मैं एक्सेस कर सकता हूं, इसको नहीं कर सकता हूं, ठीक है, तो मैं जो यहां पे बनाऊंगा ना वो मॉडल डायलॉग होंगे, ठीक है, ऐसे, तो शो होने लगा यहां पे, ये मॉडल बना दिया सर, ये मॉडल डायलॉग बॉक्स टाइप में बना है। अब इस डायलॉग बॉक्स पे मेरा फोकस है, तो मैं इसको एक्सेस नहीं कर सकता, बोल रहा है कि इसको देख लो, ठीक है। अब यहां पे बात ये है ना कि ये टैब इंडेक्स ऐसे उल्टा काम कर रहा है, मैं चाहता हूं कि जैसे ही ये फॉर्म लोड हो, रन हो, तो इसका कहां पे हो फोकस? फोकस हो यहां ऊपर, फिर इस पे हो, फिर टैब मारूं तो इस पे आए, फिर टैब मारूं तो इस पे आना चाहिए, फिर टैब मार रहा हूं तो ऊपर जा रहा है, तो ये उल्टा चल रहा है ऐसे, ठीक है। तो इसको सीधा करना है तो कैसे करेंगे?
तो एक इसका प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी का नाम है टैब इंडेक्स। तो कैसे सेट करना है तो आप देख लो। इस फॉर्म को मैं जो है ना बंद कर देता हूँ, इस पे आते हैं और फिर इसका टैब इंडेक्स प्रॉपर्टी को मैं क्या कर देता हूँ, जीरो। ठीक है, टैब इंडेक्स प्रॉपर्टी यहाँ पे जीरो है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, फिर इसको क्या कर देता हूँ, वन। ठीक है, वन कर दिया। फिर इसको कर देता हूँ मैं टू। ठीक है, इसको कर देता हूँ मैं थ्री। इसको कर देता हूँ मैं फोर। फिर इसको कर देता हूँ फाइव। इसको कर देता हूँ मैं सिक्स। ठीक है, और एक ठो और यहां से मैं ले लेता हूँ बटन, इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं ऐसे, और इसको कर देता हूँ मैं, ये सिक्स है, और चार दो छः सात, इसको आठ कर दूं, सात होगा या आठ होगा, सात होगा ना, चलो तो सात रख देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ आठ। ठीक है, अब देखना मेरा टैब जो है ना वो प्रॉपर काम करेगा। ठीक है, हाँ सर जी सर, तो ये जब हमारा टैब इंडेक्स है ना ये प्रॉपर काम करने वाला है। ठीक है, रन करते हैं देखते हैं। इस पे मैंने क्लिक मारा, अभी देखो इस पे फोकस आ रहा है, टैब मारा तो नीचे आया, फिर टैब 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 आ रहा है ना। लेकिन एक चीज है, आप देखना इस पे क्लिक मारा तो इस पे नहीं आया, सीधा इस पे आ गया। देखते हैं क्या दिक्कत है इसको। ठीक है, टैब इंडेक्स में हमने कहीं मिसिंग किया होगा। ठीक है, इस पे आया, टैब इंडेक्स जीरो है, इसका है वन, टू है, थ्री है, फोर है, इसका होना चाहिए था फाइव, तो फाइव तो है, फिर ये सिक्स है, सेवन है, एट है, इसमें आ क्यों नहीं रहा है, फिर आने का ना, शायद मैंने ग्रुप बॉक्स नहीं लिया इसलिए नहीं आ रहा है, पर मैं इसमें अब टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है, मैं टाइम वेस्ट इस पे नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अभी लास्ट में इसको देख लेंगे अगर वो रहा समय हमारे पास तो। ठीक है, क्योंकि ग्रुप बॉक्स लेके अगर इसको मैं फिक्स करने लगूँ तो दो चार पाँच मिनट और ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, इसका मैं नाम दे देता हूँ सेव। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ सेव बीटीएन। ठीक है, सेव बीटीएन वन। ठीक है, और यहाँ पे टेक्स्ट प्रॉपर्टी में हो जाएगा सेव। ठीक है, और फिर इसका मैं नाम दे देता हूँ रिसेट। ठीक है, रिसेट टेक। तो हमारा यूजर इंटरफेस जो था ना वो बन के रेडी हो गया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि मैं अब ये चाह रहा हूं ना कि यहां पे जैसे रिकॉर्ड शो हुआ। ठीक है, तो सिंपल इस रो को पे डबल क्लिक मारा। ठीक है, और डबल क्लिक में जैसे ही मारा, ठीक है, तो फिर वो शो हो जाए डायलॉग बॉक्स। ठीक है, या फिर जैसे यहां पे डिलीट का मैं बटन लिया हूं ना तो इसी वैसे ही अपडेट का बटन ले लूं मैं, या फिर सीधा बिना बटन लिए मैं डबल क्लिक पे दिखा दूं, जैसे कहो अपडेट का बटन ले लूं। जी चलो ले लेता हूं फिर, जब आपका मर्जी है तो, नहीं तो मैं तो भैया डबल क्लिक पे ही कर देता हूं सब कुछ, बटन सटन टाइम बर्बाद नहीं करता लेके, पर ले ले रहा हूं यहां पे। ठीक है, अपडेट बटन ले लिया। ठीक है, अब मैं ये चाह रहा हूं, ठीक है, कि जैसे ही अपडेट बटन पे सबसे पहला काम तो ये होगा ग्रिड व्यू कंट्रोल में सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेलेक्ट होगा जब, तो फिर जैसे ही इस पे सेलेक्ट करके अपडेट बटन पे क्लिक मारें तो क्या होना चाहिए, वो वाला जो डायलॉग बॉक्स है ना वो डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाना चाहिए। ठीक है, क्लियर। तो अब मैं क्या काम करूंगा ना कि इस अपडेट पे कर दूंगा पहले डबल क्लिक। ठीक है, और इस कोड को कॉपी मारूंगा और पेस्ट कर दूंगा यहां पे भी। ठीक है, हो गया। अब मुझे क्या करना है कि ग्रिड व्यू में जो रो सिलेक्टेड है, ठीक है, उसका सारा डेटा मुझे उठाना है और सेंड कर देना है उस फॉर्म पे। ठीक है, तो सेंड कैसे होगा, उसके तरीके तो कई हैं, पर दो तीन तरीके हैं, पर मैं आपको आसान वाला तरीका सोच रहा हूं कि बता दूं। ठीक है, तो माई डॉट एप्लीकेशन डॉट
फिर क्या ले लूं मैं यहाँ पे ना। ये जो तरीका मैं यूज कर रहा हूँ शायद ये सही तो नहीं लगता, लेकिन अब लिख रहा हूँ डेटा ग्रिड व्यू, ठीक है, डॉट सिलेक्टेड रोज, ठीक है, जीरो डॉट सेल, ठीक है, डॉट सेल, सेल में कौन सा सेल, तो मैं यहां पे दे देता हूं नेम, नेम, ठीक है, नेम डॉट वैल्यू, ठीक है, क्लियर। चलो इस लाइन को जो है ना मैं लिख देता हूं नीचे, ठीक, रन कर देते हैं, अब देखते हैं क्या होता है। नेम पे ये आ रहा है, ठीक है, अपडेट पे क्लिक मारता हूं तो ये देखो सो हो गया ना, बहुत आसान है। चलिए तो इस तरह से आप कोड लिख लो सीधा तो एक्सेस हो जाएगा वहां का टेक्स्ट बॉक्सेस वगैरह, ठीक है, और फिर डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल से आप डेटा उठा लो ऐसे। तो ये वाला टेक्निक तो मैं आपको बता ही दिया था, ठीक है, तो सिंपल आप ऐसे उठा लो डेटा इस तरह से, ठीक है, लेकिन हम सारे टेक्स्ट बॉक्सेस में इस तरह से डेटा फिल कर देंगे, ठीक है। तो इस लाइन में तो कोई दिक्कत नहीं ना किसी को है, दिक्कत नहीं है, या फिर दूसरे तरीके बताओ। बहुत लंबा हो गया, चलो फिर जब बहुत लंबा हो गया तो यहां पे आ जाते हैं, ठीक है, और इस फॉर्म के जाता हूं कोड विंडो में, ठीक है, और यहां पे मैं कुछ बना लेता हूं वेरिएबल्स, ठीक है, पब्लिक, फिर क्या कह लें उसको, टीएक्सटी नेम, नेम एज एस टी आर आई एन जी, ठीक, चलो स्टैटिक लगा लूं, स्टैटिक छोड़ देता हूं, नहीं लगाता हूं, ठीक है। तो अब आप ऐसा करो ना कि यहां पे हम आ जाते हैं और बना लेते हैं इस फॉर्म का ऑब्जेक्ट, ठीक है, जैसे आप किसी प्री डिफाइन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते थे ना, बनाते थे, जैसे कि ओपन डायलॉग बॉक्स है, ठीक है, तो उसका ऑब्जेक्ट बनाते थे ना, वैसे ही ऑब्जेक्ट आप बना लो इस स्टूडेंट फॉर्म का, ठीक है, न्यू करके बना लो ऐसे, और फिर क्या होगा, एस डॉट, फिर क्या, टीएक्सटी, टीएक्सटी नेम यहां पर एक्सेस हो गया ना, तो टीएक्सटी नेम इक्वल टू क्या कर दो, तो डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल का जो है ना डेटा वो डाल दो इस वेरिएबल्स में, ठीक है, इस वेरिएबल्स में आपने डाल दिया, ठीक है, और फिर अब क्या करने का है, ठीक है, कि आ जाओ यहां पे इस पे और फिर फॉर्म का लोड इवेंट ले लो आप, ठीक है, लोड इवेंट में सीधा आप क्या कर दो, यहां पे टेक्स्ट नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट इक्वल टू ये पास कर दो, ठीक। अब क्या होगा देख लो आप, मैं क्या करता हूं कि इस लाइन को कमेंट मार दिया, ठीक है, ये वाला लाइन बस अभी है, देखना इस लाइन से आ जाएगा डेटा, ठीक है, डेटा नहीं आया, एक मिनट रुकना, बंद करता हूँ, डेटा आया क्यों नहीं भाई, डेटा तो आने का ना, यहाँ से हो गया स्टूडेंट फॉर्म इन्फो लोड इवेंट, इसका तुम्हें जनरेट ही कर दिया, जैसे ही लोड हो तो टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट के नेम प्रॉपर्टी में ये चला जाएगा। यहाँ पे मैं ब्रेक पॉइंट लगा देता हूँ, ठीक है, देखते हैं ये इवेंट चलता है कि नहीं, ठीक है, हो गया। चलिए जी, मेरा कंप्यूटर ना बहुत स्लो है ना, इसीलिए मुझे ये डेटा दिखाई नहीं दे रहा प्रॉपर। अपडेट पे मैं क्लिक मारा, ठीक है, आ गया यहाँ पे, इस पे तो नथिंग, इसमें नथिंग कुछ आ नहीं रहा है, इसीलिए जो है ना हमारा डेटा शो नहीं हो रहा है, ठीक है, पर इसमें कुछ आ क्यों नहीं रहा है, हमने तो दे दिया है इसको। अब मैं यहां पे ब्रेक पॉइंट लगा लेता हूं,
ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है, और फिर अपडेट बटन पे क्लिक मारता हूँ, ठीक है, फिर इसको बढ़ा देता हूँ मैं आगे, ठीक है, फिर आगे आ गया, ठीक है, तो देखते हैं इसके टेक्स्ट प्रॉपर्टी में ये आ जा रहा है, ठीक है, फिर यहाँ से मैं शो करा दिया, ठीक है, एक मिनट रुकना है, क्यों हो रहा है ऐसे, ठीक है, मतलब सीधा सा है, एस डॉट करूँ ना तो हो जाएगा, ठीक है, ये मेरा मिस्टेक था, ठीक है, आप देखना डेटा शो होने लगा, अपडेट पे क्लिक मारा, ये देखो डेटा आ गया ना, तो यही तरीका मैं यूज कर लूँ, ये वाला लाइन यूज कर लेना ना सर। हाँ, वो ब्रेक पॉइंट लगाते हैं तो उसे क्या पता चलता है? उससे मैं डिबगिंग कर रहा था, ठीक है, एक-एक स्टेप आपको अगर सही गलत बताता है, सही गलत नहीं बताता है, बताता ये है कि कहाँ पे प्रोग्राम का फॉलो कैसे चल रहा है, ठीक है, आपको मैं बता दूंगा, अगर अभी समझ में नहीं आया तो आप बाद में पूछ लेना, ठीक है, बता दूंगा आपको, ठीक है, तो अब इस तरह से हमारा डेटा ट्रांसफर हो गया, राइट, तो इस लाइन में तो किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा ना, होगा नहीं, होने चाहिए, तो मैं वेरिएबल्स यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है, डबल क्लिक मारा, यहाँ पे वेरिएबल्स में थोड़ा सा बना लेता हूँ ज्यादा, आप प्रॉपर्टी भी बना सकते हो, कैसे, PROP करके टैप टैप मार दो तो प्रॉपर्टी बन जाता है ऐसा, पर इसमें इतना लंबा चौड़ा कोड लिखा जाता है, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं ये टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर रहा हूँ, पर प्रोफेशनल तौर पर माना यही जाता है, ठीक है, तो मैं इस तरह से ना बना करके बना लेता हूँ ऐसे, ये डिजाइनर विंडो है ना, इसको मैं पकड़ के खींच के ले लाता हूँ, ठीक है, क्या क्या है, मोबाइल है तो यहाँ पे टेक्स्ट मोबाइल कर लूंगा मैं, ठीक है, टेक्स्ट MOBILE, ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या कर लूंगा, एड्रेस, फिर यहाँ पे क्या कर लूंगा, ईमेल, फिर यहाँ पे क्या कर दूंगा, जेंडर बना लेता हूँ एक तो, ठीक है, जेंडर, फिर क्या बना लेता हूँ, आधार नंबर, ठीक है, ठीक, यहाँ पे मैंने सिर्फ वेरिएबल्स बनाए हैं और कुछ नहीं किया, ठीक है, ठीक है, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स बनाए हैं यहाँ पे, इतने सारे बन गए ना, आप इसको स्ट्रक्चर में भी बना सकते हो तो ज्यादा बेहतर है, स्ट्रक्चर में या फिर क्लास बना ले तो और बेटर है, पर क्लास स्ट्रक्चर आप बना के यूज कर लेना, ठीक है, अब मैं क्या करूंगा ना, इसी लाइन को कॉपी पेस्ट मारूंगा यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे नेम के बाद मोबाइल है, ठीक है, तो मोबाइल टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट कर ले रहा हूं, ठीक है, इक्वल टू TXT मोबाइल, ठीक है, फिर क्या कर लूंगा मोबाइल के बाद, एड्रेस कर लूंगा, पीछे समझ में नहीं आ रहा है क्या, अच्छा सर, अच्छा बात कर रहे हैं, फिर एड्रेस के बाद ले लेता हूं मैं ईमेल, ठीक है, ईमेल टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट इक्वल टू TXT ईमेल, ठीक है, फिर क्या कर लूंगा, एंटर मार देता हूँ फिर, ठीक है, और फिर ईमेल के बाद क्या यार, जेंडर है ना, तो जेंडर के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, कुछ और टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, लोड जेंडर लिख देता हूँ, ठीक है, हाँ लोड जेंडर कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पे चेक कर लूंगा मैं इफ, ठीक है, तो TXT जेंडर जेंडर इक्वल टू अगर है मेल, ठीक है, तो क्या करो, तो मेल का जो चेक रेडियो बटन है ना डॉट चेक्ड कर दो उसको, ठीक है, डॉट चेक्ड इक्वल टू ट्रू, ठीक है, एल्स क्या कर दो, जो फीमेल है ना उसको डॉट चेक्ड कर दो, ठीक है, अगर टेक्स्ट जेंडर जो है वो अगर मेल है तो
तो मेल रेडियो बटन को चेक कर दो, अगर अन्यथा फीमेल को कर दो, क्योंकि मेल या फीमेल कोई तो एक होगा, होगा ना। तो यहाँ पे इफ का कंडीशन लगा दिया। फिर आधार नंबर ले लेता हूं, डॉट टेक्स्ट इक्वल टू टीएक्सटी आधार, ठीक है, क्लियर। इतना तक में तो दिक्कत नहीं है ना। एक कोड में किस फॉर्म में लिख रहा हूं, स्टूडेंट इन्फो फॉर्म में, मतलब जो अपडेट का फॉर्म है, राइट। लेकिन अब इसमें जो करने वाली बात है ना, यहां पे एक और मैं वेरिएबल्स बनाता हूं, कौन सा, पब्लिक, फिर इज अपडेट एज एज बुलियन टाइप का, ठीक है। इज अपडेट जो है ना वेरिएबल्स, ये मुझे बताएगा कि फॉर्म खुला किस लिए है, अपडेट के लिए खुला है या फिर नया स्टूडेंट ऐड के लिए, क्योंकि जो है ना हम तो दोनों में इसके इस्तेमाल करेंगे ना, तो बुलियन टाइप का वेरिएबल्स मुझे बताएगा। कैसे बताएगा वो मैं इसको बता दूंगा फॉर्म को ओपन करते समय, ठीक है। तो यहां पे अब कंडीशन में लगा दूंगा, राइट। कंडीशन क्या लगाऊंगा, इज अपडेट, ठीक है, इज अपडेट। अगर ये ट्रू है, अपडेट अगर है, इसको लॉन्ग रूप में लिखू ना लंबा में, तो ऐसे हो जाएगा, इज अपडेट इक्वल टू ट्रू हो तब क्या चले, ये वाला जो है ना कोड चल जाए, ठीक है। पर इस कोड को मैं क्या कर रहा हूं, मेथड में कन्वर्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे आता हूं, फिर लिख देता हूं डेटा, नहीं नहीं नहीं, डेटा मैप टू कंट्रोल, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि डेटा को मैं लोड कर रहा हूं सारे कंट्रोल में, मैप कर रहा हूं, लिंक कर रहा हूं, जोड़ रहा हूं, ठीक है ना। तो ये सब रूटिंग में मैं कॉपी पेस्ट मार दिया हूं, ये देख लो, क्लियर। तो इसमें दिक्कत नहीं होगा ना, लेकिन कब कर रहा हूं, अगर इज अपडेट है मैं ट्रू, ठीक, तो दिक्कत इसमें नहीं होगा, नहीं होगा ना। चलिए तो फिर से मैं रन करता हूं प्रोग्राम, ठीक है। लेकिन अब देखना, मैं क्लिक करूंगा ना अपडेट बटन पे, यहां पे तो जो है डेटा लोड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि मैंने कंडीशन दे रखा है। अब इसको कैसे लोड करने का है, तो आ जाइए फॉर्म वन में, ठीक है। अब यहां पे क्या करेंगे ना, सबसे पहले एस डॉट इज अपडेट का एक बनाया था ना वेरिएबल, जो ये है, तो इज अपडेट इक्वल टू क्या कर दूंगा, ट्रू, माने क्या कि हाँ सच में मेरा अपडेट है। अब देखना, रन करूंगा ना फॉर्म, तो देखना क्या होगा, ठीक, देखना। अपडेट के लिए क्लियर आ गया ना, डेटा आ गया। चलिए, लेकिन हाँ ध्यान देने वाली बात एक और है ना, मैं मिस किया, यहाँ पे एक वेरिएबल्स मुझे और बनाना पड़ेगा, वो किस लिए, आईडी के लिए, हमें किस आधार पे करना है अपडेट, आईडी के आधार पे ना, तो एज इंटीजर बना देता हूं मैं, ठीक, क्योंकि ग्रिड व्यू कंट्रोल से मुझे आईडी उठाना है और उसी आईडी के आधार पे डेटा अपडेट करना है कि जिस स्टूडेंट का ये वाला आईडी हो उसे क्या करो, अपडेट कर दो, राइट। तो इसी आईडी के आधार पे हमको अपडेट कर देना है, राइट। चलिए जी, तो यहां पे आ जाता हूं, तो यहां पे लिखते हैं एस डॉट आईडी, ठीक है। सबसे पहले मैं आईडी दे देता हूं, ठीक है। तो चलो इस ग्रिड व्यू कंट्रोल का जो है ना, इसको कॉपी कर लिया, तरीके और भी है एक सेट दूसरे डेटे में ले जाने का, लेकिन आईडी दे दिए यहां पे, राइट, आईडी आ गया। अब क्या, नेम मैं दे ही चुका हूं, एस डॉट टीएक्सटी, नेम के बाद क्या था, मोबाइल था, पक्का मोबाइल था कि नहीं था, मेरा याददाश्त कमजोर था तो मैं ऐसे ही देख लेता था ऐसे, ठीक है। तो अब मैं क्या काम करूंगा, ऐसे देख लूंगा, मोबाइल के बाद एड्रेस है ना, अच्छा मोबाइल ही है ना, मोबाइल करूंगा इक्वल टू, फिर यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं, मोबाइल, ठीक है, एम ओ बी आई एल ई, ठीक, एंटर, फिर एस डॉट टी एक्स टी, मोबाइल के बाद है एड्रेस, एड्रेस इक्वल टू कॉलम नेम यहाँ पे एड्रेस, ठीक है, और फिर एस डॉट ईमेल, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे कर लूंगा ईमेल, ठीक, फिर जेंडर, ठीक है, एस डॉट जेंडर इक्वल टू क्या कर लेंगे,
दिन सही है स्पेलिंग ना। अच्छा एक चीज आपको बताऊं मैं कि एस डॉट यहाँ पे मैं कौन सा नाम दे रहा हूँ, ठीक है? तो ठीक आधा, ठीक है? तो यहाँ पे ये कौन सा नाम है बता रहा हूँ, ये वाला जो है ना, ये जो नेम ईमेल मोबाइल लिख रहा हूँ, ये कौन सा नाम है? तो ये कॉलम का नेम बता रहा हूँ मैं, ठीक है? इस कॉलम का नेम का स्पेलिंग जैसा होगा वैसे ही स्पेलिंग वहां पे आप लिखोगे। अगर स्पेलिंग गलत होने का डर है तो आप 0123 आईडी भी डाल सकते हो, जैसे आईडी होगा 0, नेम होगा 12, मोबाइल होगा, एड्रेस होगा ऐसे, ठीक है? तो यहां से मैंने डेटा दे दिया, राइट? अब हम इस अपडेट को ट्रू भी कर दिए, अब रन करके देखते हैं हमारा डेटा मैप होता है या नहीं, राइट? चलिए अपडेट पे क्लिक मारा, देखते हैं क्या होता है। क्या बोल रहा है सिस्टम डॉट स्ट्रिंग फॉर्म डॉट इनवैलिड? अच्छा ईमेल को बोल रहे हैं, फिक्स करते हैं इसको, क्या इसका दिक्कत है? एस डॉट ईमेल ये क्या है? ईमेल, ओ नो, ये जो है ना, ये मैंने टेक्स्ट बॉक्स का नाम लिख दिया, ठीक है? यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हो ना, तो यहाँ पे आप टेक्स्ट बॉक्स का भी नाम लिख सकते हो, ठीक है? तो वही मैंने टेक्स्ट बॉक्स का नाम सीधा लिख दिया ना, इसीलिए दिक्कत आ रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे txt करके और क्या लिख दो, ईमेल। सर वही मैं भी बोलने वाला था, ऊपर नहीं लिखेगा सर टेक्स्ट आईडी। क्या चीज? यहाँ पे जो आईडी है ना, आईडी का टेक्स्ट बॉक्स तो है ही नहीं है। आईडी जो देखो, ये टेक्स्ट आईडी क्या है बता रहा हूँ, ये वेरिएबल्स का नाम है, ठीक है? क्लियर? यहाँ पे मैं इन वेरिएबल्स से पहले डेटा रख रहा हूँ, ठीक है? और फिर डेटा को लोड कहाँ पे करा रहा हूँ, इन कंट्रोल्स के साथ, ठीक है? तो विजुअल बेसिक में आप चाहो ना तो सीधा मैप कर दो, मतलब यहाँ पे सीधा एक्सेस कर लो टेक्स्ट बॉक्स को, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स का नाम लिख दो तो नहीं है दिक्कत, ठीक है? यहाँ पे भाई देखो, देखो यहाँ पे ये जो टीएक्सटी एड्रेस है ना, अच्छा यहाँ पे देख ले भाई, डॉट टीएक्सटी कर दिया। अब ये है ना, ये कंट्रोल का नाम है, ठीक है? एक मिनट रुकना, टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू ये, क्लियर? यहाँ पे ये वेरिएबल्स का नाम नहीं है, ठीक है? ये सीधा टेक्स्ट बॉक्स का नाम मैं दे दिया, अब देखना क्या होता है, क्लियर? अपडेट ये देखो लोड हो गया, पर आधार पे नहीं आया। क्यों नहीं आया भाई, आ जाने का ना, ये क्यों नहीं आया उसका रीजन मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है? मैप टू कंट्रोल यहाँ पे क्या हो ना, इसको कर देता हूँ कमेंट, क्योंकि आधार टेक्स्ट बॉक्स में तो कोई है ही नहीं डेटा। अब मैं रन करूंगा ना तो आएगा, ठीक है? अपडेट पे क्लिक मारा, ये देखो लोड आ रहा, हो रहा है ना। तो आप वेरिएबल नहीं बनाओगे ना तो ऐसे लोड करा लो, मैंने वेरिएबल्स बना लिया है, ठीक है? लेकिन तरीके आपको आने चाहिए, मैं तरीके आपको बता दिया, ठीक है? तो यहाँ पे txt आधार कर लेता हूं, पहले वेरिएबल्स में डेटा डालता हूं फिर वहां कर देता हूं, ठीक है? क्या कह रहे हो, क्या एड्रेस? अरे यार सच में ब्रेन डैमेज हो गए हैं, ठीक हो गया? चलिए हो गया ना। अब यहां पे जो सेव बटन है ना, इसको भी हम अपडेट कर देते हैं, ठीक है? यहाँ पे अपडेट दिखाई देने का ना, और यहाँ पे जेंडर में कुछ भी डाल दिया था, इसीलिए यहाँ पे फीमेल में चेक्ड है, ठीक है? कुछ भी नहीं रहता तो मेल में चेक्ड होता, ठीक है? चलिए सी, तो कैसे बदलने का है, ठीक है? तो मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पे आ जाइए, ठीक है? कहाँ गया ये, और यहाँ पे
जो सेव बटन है ना, सेव btn1.txt टेक्स्ट प्रॉपर्टी को क्या दे दो आप, अपडेट, ठीक है, क्लियर, दे दो यहाँ अपडेट का, ठीक है। अब हमें क्या करना है ना कि अगर अपडेट है और फिर अपडेट बटन पे कोई क्लिक करे तो क्या होना चाहिए, डेटा अपडेट होना चाहिए ना। हमने डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल से डेटा उठा करके लोड करा दिया इस टेक्स्ट बॉक्स में, राइट। अब इस अपडेट बटन पे क्लिक करने पे क्या होने चाहिए, डेटा अपडेट हो जाने चाहिए, होने चाहिए ना। अब इसके लिए जो कोड लिखना है मैं आपको बताना शुरू कर रहा हूं, ठीक है। अब तक जो काम किया ना वो ग्रिड व्यू से डेटा उठा करके एक फॉर्म से और इस फॉर्म में लोड किए हैं हमसे, ठीक है। तो इस सेव बटन पे मैं मारता हूं डबल क्लिक, ठीक है, और जनरेट हो गया है सेव बटन, ठीक है। तो यहां भी मैं कंडीशन लगाता हूं अब, इफ इज अपडेट, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमको सेव के लिए भी तो करना है। तो अगर ये अपडेट होगा तो अपडेट करेगा और फिर सेव होगा तो सेव करेगा, क्लियर। चलिए सुनो ना, मेरा बैटरी लो हो रहा है, चार्जर को लगाना ना इसको, चार्जर को अब हमें बनाना है कनेक्शन स्ट्रिंग, ठीक है। क्या चीज, यहां तक तो दिक्कत नहीं ना किसी को, नहीं दिक्कत है। ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग है ना, यही कनेक्शन स्ट्रिंग हमें यूज करना है, ठीक है, क्लियर। चलिए फिर, तो ये कनेक्शन स्ट्रिंग को यूज करना है, तो हम एक बार लिख लिए हैं तो दोबारा तो नहीं लिखना चाहिए ना, लेकिन मैं क्या करता हूं ना, लिख देता हूं, ठीक है। इसको जो इंप्रूव है हम आखिरी सेशन में कर लेंगे, ठीक है, अभी मैं इंप्रूव नहीं कर रहा हूं, ठीक है। आप याद दिलाना इंप्रूव करने के लिए, मैं करूंगा, ठीक है। इसको भी बना लेता हूं मैं क्लास लेवल पे, ठीक है, या फिर इसी बटन पे बना लेता हूं, यार क्या दिक्कत है, जब दिक्कत आएगा तो देख लेंगे, ठीक है। यहां पे भी इंपोर्ट कर लेता हूं, तो इंपोर्ट हो गया, देख लो ऊपर आ गया ना। चलिए जी, अब इसके बाद क्या होगा, सिंपल है, बहुत आसान है। सबसे पहला हमें कमांड बनाना है, ठीक है, तो डीम cmd as new, फिर oldb कमांड, ठीक है। कमांड को पहला पैरामीटर क्या चाहिए, अपडेट का, ठीक है, चलिए अपडेट का दे दूंगा। फिर दूसरा क्या चाहिए, कनेक्शन का, तो मैं con दे दूंगा, कनेक्शन, ठीक है। अब यहां पे जो देना है ना, हमें क्या देना है, तो यहां पे हमको देना है कमांड, वो कमांड जिससे डेटाबेस में से डेटा अपडेट होगा, ठीक है, तो बना दूं। चलिए, तो यहां पे अपडेट, ठीक है, स्टूडेंट, फिर सेट, सेट के बाद हमें लिखना है अब क्या लिखने का, तो पहले आईडी है, नेम है ना, नेम है, नेम, नेम इक्वल टू क्या होने चाहिए, एट द रेट नेम, ठीक है, कॉमा, नेम के बाद क्या है, मोबाइल, हाँ सर, और फिर इसके बाद क्या है, मोबाइल है, ठीक है। अच्छा, यहां पे जो मैं मोबाइल और एज लिख रहा हूं ना, ये सब डेटाबेस के कॉलम से मैच होने चाहिए, ठीक है, इक्वल टू एट द रेट मोबाइल, ठीक है, फिर कॉमा, फिर मोबाइल के बाद क्या है, जरा बताओ, ईमेल, यार एक बार देख लेता हूं, मोबाइल के बाद एड्रेस है, राइट, याद किए रहना, एड्रेस के बाद क्या है, ठीक है, एड्रेस है इक्वल टू एट द रेट एड, मैं सिर्फ लगता हूं, ठीक है, फिर कॉमा, कॉमा के बाद क्या लिखूंगा मैं, अगला कॉलम बताओ, ईमेल, ईमेल इक्वल टू एट द रेट ईमेल, ठीक है, कॉमा, इसके बाद क्या है, आधार, जेंडर है,
जेंडर है इक्वल टू एट द रेट जेंडर, अरे क्या लिख रहा हूँ, एक फिर कॉमा, जेंडर के बाद क्या है, आधार, आधार इक्वल टू एट द रेट आधार, ठीक है, फिर कॉमा, आधार के बाद क्या है, कुछ नहीं, चलिए फिर इसके बाद क्या होगा, वेयर, ठीक है, कि डिली अपडेट तो कर दूं पर किसका रिकॉर्ड, तो अब मैं यहां पे दूंगा आईडी, आईडी इक्वल टू पीछे, अगर नहीं पढ़ने का है तो आप जा सकते हो यहाँ पे, मैं जबरदस्ती नहीं बताऊंगा कुछ, ठीक है, आप पर्दे बंद कर दो और शांति से रहो, ठीक है, फिर आईडी के बाद क्या लिख दूंगा, एट द रेट आईडी कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है, चलिए जी हमारा कमांड बन के रेडी है, ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे ना कि हम इसको वैल्यू देंगे, ठीक है, मैं इसको ऐसे इसलिए कर रहा हूं ना ताकि मुझे याद रहे, ठीक है, क्योंकि मेरा याददाश्त थोड़े से कमजोर है, तो cmd डॉट पैरामीटर, ठीक है, डॉट एड, ठीक है, एड भी आप यूज कर लो, ठीक है, एड यूज कैसे करना है आपको बता ही दिया हूं मैं पहले ही, ठीक है, एड विथ वैल्यू मैं कर ले रहा हूं, ठीक है, इसको पहला पैरामीटर चाहिए, पैरामीटर एज स्ट्रिंग, तो यहां पे डबल कोट दो और इस नेम को उठा लो और यहां पे एट द रेट करके दे दो, ठीक है, फिर कॉमा, एट द रेट करके दे देंगे, फिर ये डेटा आएगा कहां से, तो फिर टेक्स्ट बॉक्स से आएगा, ठीक है, तो नेम डॉट टी एक्स टी टेक्स्ट, नेम के टेक्स्ट बॉक्स से ले लो, ठीक है, तो मैं इसी को थोड़ा सा कॉपी पेस्ट कर रहा हूं जल्दी करने के लिए, ठीक है, तो नेम है, फिर क्या है, मोबाइल नंबर ना, चलिए जी मोबाइल नंबर हो गया, यहाँ पे एम ओ वी आई एल ई मोबाइल हो गया, फिर यहाँ पे मोबाइल के बाद क्या कर लो, ऐड कर लेता हूँ, एड्रेस, ठीक है, फिर cmd डॉट पैरामीटर डॉट एड एड विथ वैल्यू, इसके बाद क्या है जी जरा बताना, ईमेल, तो यहाँ पे ईमेल डॉट टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, ऐसे, फिर इसके बाद cmd डॉट पैरामीटर डॉट एड विथ वैल्यू, इसको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, आप लिख लो, ठीक है, ईमेल के बाद क्या यार, जेंडर, चलिए एट द रेट, हाँ ये वेरिएबल्स बनते हैं डेटाबेस में, ठीक है, ये लो, ठीक है, अब यहां पे मैं क्या करूंगा ना जेंडर में, कि जेंडर में मैं एक ठोस बना लेता हूं सबरूटिंग और वो क्या फंक्शन बना लेता हूं और वो फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, वो स्ट्रिंग रिटर्न करेगा कि अगर चेकबॉक्स चेक्ड है मेल वाला तो मेल रिटर्न कर दो, फीमेल वाला चेक्ड है तो वो कर दो, ठीक है, तो गेट जेंडर, ठीक, बना लिया मेथड, और यहां पे एरर बता रहा है मेथड बना नहीं है, तो मैं इसको कर लेता हूं जनरेट, ठीक है, क्लियर, चलो जनरेट कर दिया, कहां जनरेट हुआ, हुआ ही नहीं क्या, अच्छा यहाँ पे जेंडर, जेंडर का प्रॉपर्टी जनरेट कर दिया यार, मैंने शायद ध्यान नहीं दिया, ये बोल रहा है प्रॉपर्टी, ये बोल रहा है मेथड, मेथड जनरेट कर दिया, मेथड यहाँ पे जनरेट हो गया, ठीक है, चलिए डिलीट, अब मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूं, ठीक है, इफ मेल रेडियो बटन डॉट चेक्ड, ठीक है, अगर ये चेक्ड है तो क्या करो, तो रिटर्न कर दो, रिटर्न क्या कर दो, या मेल, एल्स क्या कर दो, रिटर्न कर दो फीमेल,
रिटर्न ठीक है क्लियर। एरर हमारा आ रहा था गायब हो गया, इसको आप कर दो ना स्ट्रिंग क्लियर, ऐसे हो गया मेथड बन के रेडी। अब सीएमडी डॉट फिर यहां पे क्या कर दो पैरामीटर डॉट एड विथ वैल्यू, फिर यहां पे क्या कर दो जेंडर के बाद आधार ठीक है। फिर नहीं 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 आधार गेट जेंडर जो लिखे वो मेल फीमेल चेक करने के लिए, हाँ ये चेक कर रहा है ना कि अगर रेडियो बटन मेल वाला चेक्ड है तो सिलेक्ट किया सामने वाला मेल तो मेल रिटर्न करो, रिटर्न करेगा तो आएगा यहाँ पे और इसमें रिटर्न कर देगा ठीक है, और अगर मेल नहीं है तो जरूर है कि चेक्ड होगा फीमेल तो फीमेल रिटर्न कर दो, बस यही है इसमें ठीक है। तो हमारा जो पैरामीटर था ना वो कंप्लीट हो गया, बस खत्म ठीक है। अब हमें क्या करने का है ठीक है, अब ध्यान देने वाली जो बात है ना उसको मैं बताऊंगा कब, एरर आने के बाद, मैं जानबूझ के अब ला रहा हूं कि एरर आए ठीक है। अब एरर मैं ला रहा हूं ना देखना, क्योंकि मुझे इसको पता करने में बहुत 2-3-4 घंटे लगे थे, एक्सपेरिमेंट मुझे बहुत ज्यादा करने थे पड़े ठीक है, तो देखना इसमें प्रॉब्लम क्या आएगा ठीक है। सारे वैल्यू हमने दे दिए ठीक है, ये आईडी को रहने दो वहीं पे ठीक है। अब हमें क्या करने को है, कनेक्शन को ओपन ठीक है, CONN डॉट ओपन ठीक, फिर CMD डॉट एग्जीक्यूट नन क्वेरी कर देता हूं ठीक है। तो एग्जीक्यूट नन क्वेरी जो है चलता है सिलेक्ट के लिए, नहीं नहीं सिलेक्ट के लिए नहीं चलेगा, इंसर्ट के लिए चलेगा, डिलीट के लिए चलेगा, अपडेट के लिए चलेगा, इसको क्योंकि क्वेरी नहीं माना जाता तो एग्जीक्यूट नन क्वेरी बोल दिया। एग्जीक्यूट रीडर डेटा को रीड करने के लिए चलता है, मतलब सिलेक्ट स्टेटमेंट के लिए, एग्जीक्यूट स्केलर सिंगल वैल्यू उठाने के लिए ठीक है। एग्जीक्यूट नन क्वेरी को मैं फायर कर देता हूं ठीक है, आप यहां पे चाहो तो चेक लगा लो इफ देन ठीक है, फिर क्या करो मैसेज दे दो मैसेज बॉक्स में ठीक है, कि डेटा अपडेटेड ठीक है, डेटा अपडेटेड अपडेट हो गए ठीक है क्लियर। चलिए जी इसके बाद अब मैं क्या करूंगा ना CONN डॉट क्लोज कर दूंगा, अब क्लोज करना जरूरी क्यों है मैंने दिखा दिया है शायद आप लोगों को क्लियर जी सर। तो सब कुछ हमारा रेडी है, अपडेट करके देख लें जी। चलिए जी सारे डेटा आप देख लो पहले ठीक है, इसको मैं बड़ा कर लेता हूं फॉर्म ठीक है, इस पे अपडेट बटन पे क्लिक मार दिया ठीक है, कर देता हूं इसको मेल ठीक है, कर देता हूं अपडेट, मैसेज क्या आ गया एक्सेप्शन आएगा क्या, चलो कुछ तो आने चाहिए इसको, क्या कह रहे हो धोखा दे रहा है, कुछ नहीं हुआ, होने का था ना इसको, बता कल छुट्टी क्या कोई नहीं सर, कुछ भी मैसेज नहीं आ रहा है ठीक है, फिर से मेल में क्लिक करके अपडेट कर दिया, कुछ नहीं, कुछ एरर भी नहीं आ रहे हैं ठीक है। तो मैसेज क्यों नहीं आ रहा है उसका रीजन मैं आपको देता हूं ठीक है, मैसेज क्यों नहीं आ रहे हैं ठीक है, इस इफ स्टेटमेंट को हटा दो ठीक है, ऐसे अब देखना क्या होगा ठीक है। अपडेट मारा, मेल चेक करके ये कर दिया, मैसेज आ गया अपडेट सक्सेसफुली हो गए अपडेट, लेकिन परिणाम इसका देखते हैं क्या है, कुछ नहीं, कुछ भी अपडेट नहीं हुआ, कैसे नहीं हो रहा है सर, हो ये नहीं रहा है, अब क्या करूं मैं ठीक है।
अपडेट नहीं हो रहा है, कुछ एरर भी नहीं दे रहे हैं, क्या करने को। ध्यान देने वाली बात यह है ना कि यहाँ पे जैसे जैसे आप पैरामीटर दिए हो वैसे सीक्वेंस में ही कमांड होने चाहिए, तभी एक्सेस में अपडेट होगा, अन्यथा अपडेट नहीं होगा। आप लिख के रख लो कॉपी में, ठीक है। तो नेम पहले था तो यहाँ पे नेम दे दिया, फिर मोबाइल पहले था तो मोबाइल दे दिया, फिर एड्रेस था तो एड्रेस दे दिया, ईमेल था तो ईमेल दे दिया, जेंडर था तो जेंडर दे दिया, ठीक है। आखिरी में यहाँ पे वेयर में आईडी मांग रहा हूं ना, तो सिंपल इसको कट करके आप ले लाइए इसको नीचे यहाँ पे, ठीक। अब डेटा अपडेट होने चाहिए, ठीक है। अब इसको मैं इफ के अंदर लिख देता हूं, ठीक है, ऐसे, क्लियर। चलिए, तो उम्मीद है अपडेट हो जाने का। यहां पे आया अपडेट, अपडेटेड, ठीक है। दिखा रहा हूं क्या हुआ ना सर। हाँ, क्लिक मार रहा है, अगर एक के बारे में नहीं हो जाता सर क्लिक, ऐसा कोई। ये देखो मेल हो गया है ना। चलिए जी, यहाँ पे दिखाई क्यों नहीं देता ना, इसका रीजन मैं आपको दे रहा हूँ। मेरा कंप्यूटर में बहुत सारे सॉफ्टवेयर एक बार में बहुत ज्यादा चल रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए वो एरर आ रहे हैं, ठीक है। डेटाबेस में भी आपको दिखा दे रहा हूँ, हो गया है, ठीक है। फिर से रन कर रहा हूँ अपडेट, ACMANDI टैब कुछ भी डाल दिया, एड्रेस INDIA, फिर ईमेल में SCM example@gmail.com मेल आधा एड्रेस कुछ भी, अपडेट, अपडेट सक्सेसफुली भी हो गया, ठीक है। अपडेट हो तो गया, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये है कि जो है ना डेटा अपडेट नहीं हुआ। यहाँ पे भी तो दिखाने का, लेकिन दिखा का, इसको मिनिमाइज कर रहा हूं मैं, ठीक है। डेटाबेस में तो अपडेट हो गया है, आप देखो यहाँ पे अपडेट हो गया है, ठीक है, हो गया ना, लेकिन यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो मैं अब ये चाह रहा हूं ना कि जैसे ही ये डायलॉग बॉक्स, ठीक है, ये वाला डायलॉग बॉक्स, जैसे अपडेट पे मैं क्लिक करता हूं, अपडेट पे क्लिक किया, ओके पे क्लिक किया, जैसे ही इस पे मैं कर दूं क्लोज, ठीक है, अपडेट करने के बाद तो अपने आप ही डायलॉग बॉक्स बंद हो जाने चाहिए, राइट, ठीक है। तो फिर या फिर इस पे क्लिक करूं, डायलॉग बॉक्स से जैसे ही बंद हो ना, वैसे ही क्या हो, यहाँ पे डेटा अपडेट हो जाए, ठीक। तो उसको टिकल करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल है, बहुत आसान है, ए डेटाबेस एक्सेस मेरा कहाँ गया, ए आ गया, बंद कर देते हूं पहले, ठीक, आ नहीं रहा है कुछ, ठीक है, आने का, ठीक है, तो आना चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या कर लूंगा ना, ये देखो अपडेट हो रहा है। तो डेटाबेस से फिर से डेटा उठाओ और फिर दिखा दो हमारे फॉर्म पे, कब, तो बता रहा हूं कब। डेटाबेस से डेटा उठाने का यही कोड है ना, इसको मैं कट कर लेता हूं, ठीक है, और यहां पे लिख देता हूं LOAD लोड डेटा इनटू ग्रिड व्यू, ठीक है, ग्रिड व्यू, ठीक। इसको मैं कर देता हूं क्लिक और यहां पे जनरेट कर देता हूं मेथड, और मेथड जहां पे जनरेट हुआ है ना नीचे, यहां पे मैं क्या कर दूंगा, पेस्ट। इसको अब किसने बोल दिया कि एडवर्टाइजमेंट दिखाओ, ठीक। अब देखना रिजल्ट इसका क्या होगा, ठीक है। रिजल्ट ये होगा कि जहां पे चाहूं मैं कॉल कर सकता हूं, ठीक है। इसको कॉपी किया, ठीक है, और जैसे ही अपडेट बटन पे मैं आता हूं, ठीक है, यहां के अपडेट बटन पे आया, डबल क्लिक मारा, ठीक है, और ये वाला कोड हमारा है अपडेट बटन पे, ठीक है। तो यहां पे डायलॉग बॉक्स शो होगा ना,
तो जैसे ही डायलॉग बॉक्स शो होगा तो क्या होगा, रुकेगा, ठीक है, फिर उस वाला कोड चलेगा, ठीक है, यहां पे कोड रुकेगा और फिर चलेगा इस फॉर्म का, इस फॉर्म का कोड चलेगा, वो कब तक, कब खत्म होगा, जब मैं क्लोज कर नहीं देता, जैसे ही मैं क्लोज करूंगा तो फिर ये वाला कोड आगे बढ़ेगा तो आ जाएगा ग्रिड व्यू वाले में और फिर से डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल में लोड कर देगा, ठीक है जी सर। अब मैं ये करता हूं ना कि जैसे ही अपडेट पे क्लिक हो फॉर्म अपने आप बंद हो जाए, तो यहां पे मैं क्या करूंगा, सिंपल लिख दूंगा दिस डॉट क्लोज, अच्छा नहीं सॉरी यहां पे दिस नहीं लगता, यहां पे विजुअल बेसिक में मी लगता है, मी डॉट क्लोज, ठीक, हमारा काम बिल्कुल कंप्लीट होके रेडी है। अब यहां पे मैं आ जाता हूं और देख लो SEM है, ठीक है, मैं पूरा ही नाम लिख देता हूं, अपडेट पे मैं क्लिक कर दिया, डेटा अपडेटेड हो गया, बंद हो गया और यहाँ पे आ गया डेटा, राइट। तो अब कोई कंफ्यूजन इसमें हो तो आप पूछ लो। क्या कह रहे मेथड, देखो प्रोग्रामिंग में आपको कोई कभी नहीं बोलेगा कि यहाँ पे वेरिएबल्स बनाओ, यहाँ पे फंक्शंस बनाओ, यहाँ पे इस टाइप का वेरिएबल बनाओ, बुलियन होगा कि स्ट्रिंग होगा, आपका जरूरत के अनुसार आप खुद ब खुद लिख लो। अब यहाँ पे जैसे देख लो, ठीक है, ये अपडेट का कोड है ना, मैं सेव का भी कोड इसी में लिखूंगा, कहाँ पे एल्स ब्लॉक में लिखूंगा, ठीक है, तो अपडेट का कोड इतना लंबा रहेगा, सेव का भी कोड लंबा होगा, तो क्या होगा, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगा, कोड को पढ़ना आसान नहीं होगा। तो मैं अब इसको भी उठाऊंगा और क्या कर दूंगा, बना दूंगा इसको कट करके अपडेट का, क्या कहते हैं, अपडेट का मेथड, ठीक है, कैसे बनाऊंगा, अपडेट डेटा, ठीक है, आप कुछ भी नाम ले लो, रन इसको जनरेट कर दिया, ठीक है, हो गया, अब यहां पे आया और यहां पे फंक्शन ये मेथड में जनरेट कर दिया, ठीक है, क्लियर, ऐसे। अब ये जो है ना कनेक्शन एरर बता रहा है कनेक्शन वेरिएबल्स के लिए, क्योंकि ये कनेक्शन तो यहाँ बना हुआ है, ठीक है, तो कनेक्शन को कैसे बनाना है, ठीक है, इसको मैं बता दूंगा आपको आखिरी सेशन में, आप पूछ लेना मेरे से, ये ले लो, अब वो एरर गायब हो गया, अब भी कोड बिल्कुल ठीक काम करेगा। तो आपको कोई नहीं बोलेगा कब फंक्शन बनाओ, कब क्या बनाओ, आपको जरूरत के हिसाब से जहां पे जो बेस्ट लगे आप बना लो, ठीक है। आप देखो यहाँ पे आपका कोड शॉर्ट हो गया ना, यहाँ पे आऊंगा, गो टू डिफाइन पे जाऊंगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या कर दूंगा ना, मैं डेटा अपडेट है, ठीक है, अब इस पे गो टू डिफाइन पे गया, ये है अपडेट का मेथड, और यहाँ पे ना यहाँ पे भी लिख दूंगा क्या ये, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अपडेट में इसको लिखने का ठीक नहीं है, जैसे ही फॉर्म लोड हो वैसे ही होना चाहिए, तो फॉर्म के लोड इवेंट पे जाने का यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे मैप कर रहा है ना, ये कौन सा मेथड है, तो ये कंट्रोल से डेटा को मैप करने का है, मतलब जोड़ने का है, लिंक करने का है, यहाँ पे कर दूंगा, अब प्रोग्राम में कोई दिक्कत नहीं आएगा, परफेक्ट चलेगा, ठीक है, ये देख लो डबल क्लिक पे तो है नहीं, यहाँ पे आ गया, चल रहा है प्रॉपर, SMT को हटा करके क्या कर दूं, कुछ भी अमित सुमित कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आया, ठीक है, और फिर कर दिया अपडेट, हो गया अपडेटेड, ठीक है, अब कर देता हूँ मैं क्लोज, हो गया क्लोज, यहाँ पे आ गया, हाँ, अपडेट नहीं करना है, अपडेट नहीं करना है, तो मतलब अपडेट नहीं करना है तो मत करिए, कौन बोल रहा है कि आप अपडेट ही करो, तो नहीं करना है तो अपडेट जो बटन है ना, मैं बता रहा हूँ आपको, देखो ये लोड इवेंट है फॉर्म का, ठीक है, यहाँ पे लिखा हूँ अगर अपडेट है तब ऐसा करो, ठीक है, अगर आप, और फिर यहाँ पे आप आइए नीचे, यहाँ पे सेव बटन के क्लिक इवेंट पे भी लिखा हूँ कि अगर ये अपडेट है ना तो अपडेट वाला कोड चलाओ, अगर अपडेट नहीं है ना तो यहाँ पे एल्स लिखूंगा और फिर यहाँ पे डेटा सेव, ठीक है, डेटा यहाँ पे मैं सेव का फंक्शन चला दूंगा और सेव करने का लॉजिक लिख दूंगा, तो फिर अपडेट होगा तो अपडेट करेगा और सेव होगा तो सेव करेगा यहाँ पे, ठीक है, और वहां का टेक्स्ट प्रॉपर्टी बदल के अपडेट के जगह पे सेव कर दूंगा, क्लियर। तो इसमें बताओ कोई दिक्कत हो तो, फिर कितना लंबा कितना लंबा अभी तो सही सर,
कुछ पसंद सर जी हाँ बहुत बुआ हो गए वीडियो चला दीजिए कुछ समझ में नहीं आया तो उसी समय पूछने का था ना दोगे आप सुनो पहले किया क्या है हमने इसमें ठीक है डिलीट वाला कोड फोल्ड में मारता हूँ ठीक है यहाँ पे मेथड बनाया है ठीक है और फिर यहाँ पे क्या किए हैं फॉर्म को शो कराए हैं ऑब्जेक्ट बनाए हैं और फिर डेटा को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर करके अपडेट को ट्रू मार दिए हैं क्योंकि अपडेट के लिए ओपन करना है यहाँ पे डायलॉग बॉक्स को शो कर दिए हैं और फिर यहाँ पे जैसे ही डायलॉग बॉक्स बंद हो वैसे ही डेटा को हम लोड किए हैं राइट और फिर यहाँ पे क्या किए हैं मेथड बना दिए हैं ठीक है तो अगर फोटो आपको खींचने का है ना तो आपको खींच लो फोटो इस बटन को मैं नाम दे देता हूँ अपडेट अब नाम क्यों देता हूँ थोड़ी देर में आपको खुद ही समझ में आएगा ठीक है और हाँ जिनको समझ में अभी थोड़े नहीं आए हैं ठीक है तो हो सकता है उनका प्रैक्टिकल कम हुआ होगा प्रैक्टिस कम हुआ है कंटिन्यू आए नहीं है ठीक है आप दो चार बार वीडियो को रिवाइंड में कर लोगे ना तो क्लियर हो जाएगा और दिक्कत आए ना 100 बार देख लो फॉर्म एडिशन का भी रिकॉर्ड टूट जाए ठीक है हो गया तो अगर आपको फोटो खींचने हैं तो आप यहां पे आ जाओ और सबसे पहले मेथड का फोटो खींच लो ठीक है यहां पे मैंने मेथड बनाया है ठीक है इसमें कंप्यूटर से मोबाइल में फोटो खींचो आपकी स्क्रीन में मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा व्हाट्सएप पे फिर ये फोटो पूरा खींचोगे तो खींच लो आप लोग सर अपडेट का पूरा कोड यही है सर हाँ बस यही कोड है ये कोड जो है ना ये कोड एक से दूसरे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में डेटा लेके जाता है ठीक है फिर यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ ये तो पिछला कोड है डेटा सिलेक्ट करने का और फिर इसमें बाकी ये कोड है ठीक है ये बाकी कोड है अपडेट फॉर्म का ठीक है नीचे करो जिनको समझ में नहीं आया ना तो बस 100 बार देख लेने का देख लो ना कौन मना करता है इसके पैसे थोड़ी लगते हैं क्या चीज ऐसा काम करो ना आप सीडी खरीद के ले लाओ 10 रुपया का मैं राइट करके दे दूंगा ले लाओ ना ये बाकी ये है फोटो खींचोगे तो खींच लो आप बाकी नीचे ये है खत्म कोड अरे यार पहले सच में 1 घंटे हो गए यार